व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज बड़ा ही शानदार टॉपिक है आप लोगों के लिए। शानदार टॉपिक का टाइटल है डिलिमिटेशन कमीशन। इसका अगर आप लोगों को मीनिंग समझाना चाहूं तो आप लोग नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना। जिस तरीके से हम आज की डेट में अपना इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो हमारी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, मैं किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ। हर एक एरिया में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलेगी, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि इस एरिया को इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रख दिया जाता है। और ये कभी भी देखिए, कभी भी ये डिस्ट्रिक्ट के बेस पे नहीं होती है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ये है और इसी की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी। नहीं, ये बिल्कुल पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड की जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के बेस पर डिसाइड नहीं की जाती है। ओके, अगर आप लोगों को नॉर्मल इंडिया का मैप देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आप लोगों को इस तरीके का मैप देखने को मिलेगा। आज की डेट में हम यहाँ पर 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा मैप देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकर नॉर्थ से और साउथ तक का। पर लेकिन जब आप लोग इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पर देखेंगे, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है उसके बेस पर देखेंगे, तो ये 543 सीटों में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब आप लोगों को देखने को मिला है छोटी छोटी सीट है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 543 सीट हो गई टोटल मिला के। तो इन 543 को यहाँ पर इलेक्ट किया जाएगा हमारे द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो उसके बेस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोगों को डिवाइड करना है। और देखिए, कुछ एरिया तो आप लोगों को ऐसे देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर कि ये बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, और कुछ आप लोगों को बहुत छोटे छोटे एरिया देखने को मिल रहे होंगे। रीजन क्या है? रीजन है पॉपुलेशन। अगर आप बात करें इधर जाकर जम्मू और कश्मीर इस वाले रीजन में आप जाके बात करें, तो यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पर कम से कम पॉपुलेशन ज्यादा एरिया को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए जितना दूसरे एरिया में पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर लोकसभा की सीट के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकसभा की सीट के लिए हमने 100 आदमी डिसाइड कर लिए कि 100 आदमी मिनिमम होने चाहिए एक किसी एरिया में। तो मान लीजिए कहीं अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे, तो वहां पर तो जरा से एरिया में ही 100 आदमी मिल जाएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो एक तरीके से आप लोग पहाड़ मिलेंगे ऊपर, और ऊपर मतलब आप लोगों को झील मिलेगी, बर्फ पड़ता हुआ मिलेगा, तो आदमी जो है बहुत दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पे बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी इतने आदमी को इकट्ठा करने के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा राजस्थान में रेगिस्तान वाले एरिया में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी, और ऐसी कंडीशन आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में मैंने जब डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर डिसाइड होती है, वहां पर मैंने आप लोगों को 5 सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी और 5 सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आप लोगों को उस टाइम पर बताई थी। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था लद्दाख भी था, अरुणाचल प्रदेश के 2 एरिया थे, राजस्थान का था। तो ये चीजें हम लोगों को उस टाइम पर देखने को मिली, और वो चीजें आप लोग मैप में भी फील कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने 5 सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी, जिसमें दिल्ली टॉप पर चल रही थी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को कल भी मैं समझा चुका हूं अच्छे से। तो रीजन क्या है? रीजन है पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पर आज की डेट में इतने बड़े एरिया में वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है उतनी पॉपुलेशन को लेने के लिए। क्योंकि आखिरकार में लोकसभा की सीट में तभी तो रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पर इक्वल। अगर वहां पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया का हम लोग ले लीजिए, वहां पर तो मान लीजिए 10 लाख पे एक लोकसभा मेंबर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जा रहा है एक मेंबर, और किसी एरिया में आप लोगों को देखने को मिला 10,000 पे चला गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ना कि कहीं पे तो 10,000 पे जा रहा है और कहीं पे 1 लाख पे जा रहा है या 10 लाख पे जा रहा है। तो वो कम से कम पॉपुलेशन इक्वल रहेगी, तभी तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग इक्वल बनेगी। तो उस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के बेस पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाती है। अगर डिलिमिटेशन का मैं आप लोगों को मोटा मोटा मीनिंग बताऊं, तो अगर नॉर्मल भाषा में हम इसको देखें, तो एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं बाउंड्री खींचना होता है। ठीक है, किसी स्टेट के बीच में बाउंड्री खींच देना, या किसी आप लोग 2 कंट्री के बीच में बाउंड्री खींच देना, मतलब नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। पर लेकिन एक प्रॉपर वे में इसको यूज किया जाता है इलेक्शन के लिए, बाउंड्री खींचने के लिए। ये वर्ड यूज इसलिए किया जाता है जहां पर इलेक्शन के लिए बाउंड्री खींचते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, आज के डेट में जनरल की जो है वो है 423 सीटें। ठीक है, एससी की है ये 79, और ये एसटी की है ये 41। ठीक है, तो ये सीट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। यहां पर इनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, क्योंकि देखिए अगर हर सीट पे जनरली जीत के आ जाएगा, तो यहां पर जो एससी एसटी कम्युनिटी है उनका ख्याल कौन रखेगा? जनरल वाला तो जनरल पे फोकस देगा, तो इसलिए उनके लिए भी रिजर्व सीट कर दी गई है। पर ऐसा नहीं है जैसा अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था कि रिजर्व सीट कर दी कि हाँ एससी को एससी का ही वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एससी के लिए सीट रिजर्व है कि एससी का कैंडिडेट खड़ा होगा, पर लेकिन वोट यहां पर कोई भी डाल सकता है उसको जाकर। ठीक है, तो यहां पर कॉम्युनल अवार्ड नहीं है, जो हम लोगों को 909 में
मोंटे मोरले रिफॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता था। इसके अलावा आप लोगों को ये स्त्री की एक्टिविटी अंग्रेजों के टाइम में देखने को मिलती थी, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कोई भी मेंबर यहां पर वोट डाल सकता है, बस हाँ ये है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर वहां पर उस पर सीट पर फिक्स रहेगा। जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग बात करें 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की वुमेन्स के लिए, तो कुछ ऐसा ही प्रोविजन आप इसको यहां पर कंपेयर करके समझ सकते हैं। ओके, तो एक थोड़ा सा आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कभी भी इसको नहीं सोचना कि जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ पर्टिकुलर एरिया है, जैसे स्टेट ले लीजिए, यूपी में आज की डेट में सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है। आप अपने अपने स्टेट में बताइए कि आपके स्टेट में कितनी सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों जाके चेक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा, वैसे पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, पूछ भी चुका हूं आप लोगों से, फिर से रिविजन कर लीजिए। आप लोग जल्दी चीजें भूल जाते हैं, तो रिविजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। तो इस तरीके से ये फंडा चलता है यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, कहां से चीजें स्टार्ट हुई और कैसे आज तक चली हुई आ रही हैं। अब आगे प्रोसेस देखते हैं यहाँ पर डिलिमिटेशन का क्या सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा मीनिंग फिर से बताना चाहूं तो एक तरीके से बाउंड्री ड्रॉ करना होता है, जो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप लोगों को बताई तो उनकी बाउंड्री ड्रॉ करना होता है जिस पर हम जाकर अपनी वोट डालते हैं। तो ये देखिए डोमेस्टिक लेवल पर भी हो सकता है, मतलब हमारी कंट्री के बिल्कुल अंदर, नेशनल लेवल पर स्टेटों के अंदर आप लोग बोल सकते हैं, और फिर यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी बाउंड्री ड्रॉ करने की अगर बात आती है तो उसको बोलते हैं यहां पर डिलिमिटेशन। पर लेकिन जनरल टर्म अगर यूज की जाती है जो आज की डेट में, वो इलेक्ट्रोल बाउंड्री जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं उसके लिए नॉर्मली ये यूज की जाती है आज की डेट में। अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 82 के तहत, आर्टिकल 82 के तहत ये बोला गया था कि देखिए जब भी हमारे यहां पर सेंसस हुआ करेगा, उस सेंसस के बाद में जनसंख्या काउंट की जाए करेगी, जनसंख्या काउंट हुआ करेगी उस सेंसस में, तो उसके हिसाब से जहां जहां पे जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है वहां वहां पर आप लोगों को सीट्स भी उसी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गैप 10 साल का होता है और 10 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी भी एरिया में। तो इसलिए बात बोली गई थी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शन में आप लोगों को सीट्स भी बढ़ानी पड़ेगी उस एरिया में। मतलब कितनी लोकसभा की वहां पर सीट्स हैं, कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं, वो भी आप लोगों को वहां पर इंक्रीज करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से आप लोगों को वहां पर सीट्स भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बात बोली गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पर प्रोविजन रखे गए था आर्टिकल 82 इसके लिए डिसाइड है। तो आप लोगों को आर्टिकल 82 का याद रखना है, ये रिलेटेड किससे है। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए सीट्स की तो बात हो जाती है कि एलोकेशन करना है नंबर ऑफ सीट्स और डिमार्केट करना है कि यहाँ कौन सी टेरिटरी है। इसके अलावा बात क्या की जाती है ये तो हो गया, पर लेकिन जैसे यहाँ पे सेंसस आएगा उसके बाद में फिर एक एक्ट आएगा निकल के यहाँ पर, उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कितनी सीट्स यहाँ पर हम लोगों को देनी है पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के बेस पर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हमारे सिटीजन जो रहते हैं उनके बेस पर यहाँ पर सीट डिसाइड की जाती है। फिर तो ये प्रॉपर पैटर्न चलता है, पहले एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, फिर उसके बाद में यहां पर एक कमीशन सेटअप किया जाता है। कमीशन क्या करता है, फिर कमीशन चेक करता है कि कहां पे हम लोग कितनी सीट्स बढ़ा सकते हैं और कहां पे कितना प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का और जो सीट्स होती है उनका। तो इस तरीके से यहां पर पूरा काम किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों को यहां पर जानने को मिला है, आगे डिटेल में प्रोसेस जानने को मिलेगा। अभी ये आज तक के टोटल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। तो पहले एक्ट आता है उसके बाद में कमीशन आता है, एक्ट के बेस पर कमीशन आता है। पहले एक्ट बना दिया जाता है पार्लियामेंट में पास करके, फिर एक्ट बनाने के बाद में बोला जाता है कि इसके तहत हम एक कमीशन सेटअप करेंगे। वो कमीशन क्या करेगा, वो कमीशन चेक करेगा कि कौन कौन से एरिया में कितनी सीट्स हम लोगों को लेनी है। देखिए स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था कि हर सेंसस के बाद में, मतलब सेंसस कब होता है, 10 साल के बाद में आता है, लास्ट वाला 2011 में आया था, अब नेक्स्ट वाला 2021 में आएगा। इसी तरीके से सेंसस यहां पर चलता है हमारा, तो इससे पहले वाला 2001 में आया था, ठीक है। पर लेकिन क्या हुआ, बात यह आई निकल के कि यार देखो अगर हम इस तरीके से चीजों को चेंज करने लगे, मान लीजिए हर पॉपुलेशन, हर सेंसस के बाद में पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में मान लीजिए एक साइड में तो हो गए यूपी जैसे स्टेट, एक साइड में हो गया आप लोग ले सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट, तो यूपी जैसे स्टेटों में तो जनसंख्या दबा के बढ़ रही है, तो इसका मतलब इनकी तो सीट्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और जितना इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पॉपुलेशन को ये कम करने की सोचेंगे नहीं। ये तो क्या सोचेंगे कि पॉपुलेशन के बढ़ने से तो यार फायदा हो रहा है, हम लोगों तो को और ज्यादा सीट मिल रही है और आने वाले टाइम में हम लोगों को लोकसभा में जितनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बनेगी उतना ही ज्यादा हम लोगों को फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बिल वहां पर जा रहा है उसको एक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा पावर लोकसभा में किसकी रहेगी, वो रहेगी यूपी की। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा था ये डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा था कि हर 10 साल के बाद में हम लोगों को सीट जो है वो चेंज करनी है। तो जिस एरिया की पॉपुलेशन मान लीजिए बढ़ रही है उसको तो सीट ज्यादा मिल जाएगी और जिसकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है उसकी सीट्स कम रह जाएंगी, तो इनडायरेक्ट वे में उसको तो घाटा हो जाएगा स्टेट को, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं मिलेगी वहां पर लोकसभा में।
तो बात क्या बोली गई, बात यह बोली गई देखिए इसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में तो आप लोग कर रहे हो कि हम लोगों को यहां पर सीट्स बढ़ानी है, दूसरी साइड में आप लोग बोले हो पॉपुलेशन भी रोकनी है, पर पॉपुलेशन कैसे रुकेगी, ऐसे तो कोई भी स्टेट नहीं अपने यहां पर प्रोविजन बनाएगा पॉपुलेशन का रोकने का, बल्कि वो तो बढ़ावा देंगे कि पॉपुलेशन बढ़े, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ेगी लोकसभा में, ठीक है। तो इस तरीके की बातें निकल के आने लगी, तो फिर यहां पर आप लोग कमीशन देख सकते हैं, पहला डिलिमिटेशन कमीशन आया, ये यहां पर निकल के आया एक एक्ट 1952 में, इसके इस बेस पर यहां पर फर्स्ट सेटअप किया गया 1952 में ही, ठीक है। एक्ट भी 1952 में आया, कमीशन भी 1952 में ही स्टैब्लिश किया गया, फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहा हूं। सेकंड जो डिलिमिटेशन कमीशन आया 1962 में, चाइना वार हुई थी उसके बाद में आप लोगों को उसके एयरफेयर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फिर यहां पर कमीशन सेटअप किया गया। फिर आगे चलेंगे 10 साल के बाद, डिलिमिटेशन कमीशन 1972, फिर 1973 में कमीशन सेटअप कर दिया गया, डिलिमिटेशन कमीशन 2002 और फिर 2002 में यहां पर सेटअप कर दिया गया। तो दो तो एक एक साल बाद में आया, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और यहां पर 72 में एक्ट आया, 73 में कमीशन, 62 में एक्ट आया, 63 में कमीशन, यहां पर दो ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों में जिस टाइम पर एक्ट आया उसी ईयर में कमीशन भी आ गए। तो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कंप्लीट यहां पर पता होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग उसको कोरिलेट कर सके यहां पर। और देखिए हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप लक्ष्मीकांत बुक उठा के देखेंगे उसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, ठीक है। ये मैंने कई सारे अलग रिसोर्सेज यहाँ पर यूज किए हैं इसके लिए, कई सारी जगह से मैंने इसको उठा के उसके बाद में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर अगर लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो वहां पर जरा सी देर में इसको समझा के साइड में कर दिया गया है, तो हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए आप लोगों ने चार कमीशन देखे यहां पर, तो मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, इससे पहले जोन जोन से हुए उसमें ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा वो लेटेस्ट के बारे में ही पूछा जाएगा, अभी लेटेस्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और लेटेस्ट में क्या क्या प्रोविजन है वो बातें पूछी जाएगी। तो जो लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया ये 2000 में एक्ट आया, उसके बेस पर कमीशन सेटअप किया गया, हम लोगों ने अभी देखा है यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, 2000 में डिलिमिटेशन एक्ट आया, उसी के बाद में 2002 में ही डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया। तो हम लोग इस पर कंप्लीट फोकस देकर चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका अमेंडमेंट याद होना चाहिए, 84th अमेंडमेंट किया गया 2002 में, उसके बाद में आप लोगों को एक्ट देखने को मिला, ये 2002 का एक्ट देखने को मिला, और इसके बेस पर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया जुलाई 2002 में, ठीक है। यहां पर जो इस कमीशन के चेयरमैन थे वो जस्टिस कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह यहां पर चेयरमैन थे और ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, यहां पर इनको चेयरमैन बनाया गया। इसके साथ में एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन थे, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन एक्स ऑफिशियो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद रखिएगा। ये क्या था, यहां पर ये थे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर का ये मतलब होता है कि पोस्ट तो मिली इनको इलेक्शन कमिश्नर की, पर लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे आते ही डिलिमिटेशन कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर इनके लिए अलग से इनको क्वालिफिकेशन नहीं लानी पड़ी। बिल्कुल उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे यहां पर, वो इलेक्शन तो जीत के आता है वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, पर लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप ही बन जाते हैं, उसके लिए अलग से उनको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि उसके लिए यही है कि वाइस प्रेसिडेंट ही यहां पर क्या बनेगा, इसका चेयरमैन बनेगा, ठीक है। तो बात क्या आगे निकल के कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की पोस्ट पर ये जाकर बैठेंगे तो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे, उसकी पोस्ट पर बैठते इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस कमीशन ने 1991 का जो सेंसस का जो डेटा था उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, जो ये 2002 में कमीशन आया था, पर लेकिन बाद में ये देखने को मिला यार इतना पुराना डाटा, 10 साल पुराना डेटा हम लोग उठा के यहां यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, फिर जो 1991 जो यहां पर वर्ड लिखा हुआ था उसको यहां पर इन्होंने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कि जो सेंसस हम लोग 10 साल पुराना यूज कर रहे थे हम लोग लेटेस्ट ही क्यों यूज नहीं कर लेते हैं, तो 2001 का जो लेटेस्ट सेंसस था उसका डेटा यहां पर यूज किया गया, ठीक है। तो कमीशन जो पहले जो यूज कर रहा था वो तो सारी चीजें पुरानी हो गई, अब फिर से यहां पर इसने रीस्टार्ट वर्क किया अपना, जो नया डेटा रहा 2001 का उसके बेस पर यहां पर इसने फिर से अपना वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया था, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है कि आगे आने वाले टाइम तक 2026 तक, ये वर्ड याद रखिएगा, 2026 तक फिक्स कर दी गई है सीटें। और देखिए आप लोग यहां पर प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख सकते हैं, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल जी थी उस टाइम पर प्रेसिडेंट। अगर आप लोग यहां पर इसको देखेंगे 2002 की बात की जा रही है यहां पर, तो उसके बेस पर भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, प्रेसिडेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि 12th प्रेसिडेंट थी हमारी कंट्री की, ओके। इसके बाद में देखिए कुछ एरिया आप लोगों को यहां पर यह भी याद रखना है, जो एक्सेप्शन है वह है जम्मू और कश्मीर का। नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है जम्मू और कश्मीर के ऊपर अगर कोई भी इस तरीके का एक्ट बनाया जाता है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है,
क्योंकि उनका खुद का ही अपना संविधान चलता है, वहां पर खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कितना उनको, किस तरीके से उनको डिसाइड करना है, ये उनके ऊपर छोड़ रखे हैं। वहां पर उनको स्पेशल एक्ट है वहां पर आर्टिकल 370, ठीक है ना। तो आर्टिकल 370 के तहत वहां पर स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं वहां पर, जिसके बेस पर वो अपने आप काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ में कुछ और थोड़ा स्पेशल एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, वो है अरुणाचल प्रदेश। पांच स्टेट नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बता चुका हूं, एक वो हो गया, दो तीन चार पांच, तो टोटल पांच स्टेट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जिनमें डिस्प्यूट था। तो इसीलिए यहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट था, क्योंकि यहां पर जो सेंसस आया, सेंसस का डेटा जो था उसके ऊपर लड़ाई चल रही थी, मतलब उसको क्लियर नहीं था डेटा कि हाँ एक्चुअल में डेटा क्या है। जब एक्चुअल में डेटा नहीं पता है तो सीट किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम लोग, डेटा के बेस पर सीट डिवाइड करेंगे ना, कितनी पॉपुलेशन है जब ये पता चलेगा तभी सीट डिवाइड करेंगे ना, तो पॉपुलेशन पता नहीं है तो कैसे यहां पर सीट डिवाइड करेंगे। तो इस बात के ऊपर यहां पर लड़ाई थी और इसीलिए यहां पर उस टाइम पर इनको डिलिमिट नहीं किया गया था उस वाले एरिया के, तो ये एक्सेप्शन थे जो चले हुए आ रहे थे, आप लोग इनका भी याद रख सकते हैं। तो ये पांच स्टेट आप लोग याद रखिएगा, बाकी आज में जो आज की डेट में जो चल रहा है अब जाके ये चेंज होगा 2026 के बाद में, ठीक है। 2026 तक हमारे यहां पर जो सीट्स हैं वो फिक्स कर दी गई हैं, उसके बाद में अब चीजें चेंज होगी, उसके बाद में फिर एक्ट आएगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा, वो देखेगा कहां पे कितनी सीटें बढ़ानी है, कहां पे क्या उनको प्रोविजन लेना है, उसके बाद में सारी चीजें स्टार्ट होगी। पर 2026 तक आप लोग ये याद रखिएगा, तब तक की चीजें फिक्स कर दी गई है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में बढ़ रही है, तो अगर इस तरीके से हम लोग चीजों को चेंज करेंगे तो हम लोगों को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉपुलेशन इसीलिए फिर प्रवृत्ति वही आएगी कि पॉपुलेशन पे कोई भी रोक नहीं लगाएगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे। तो फोकस यही किया गया है, किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करना है ताकि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ सके, ठीक है। तो प्रॉपर पर्पज यही था इसको कंट्रोल करने का, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे चारों के चारों कमीशन और लास्ट वाला जो कमीशन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि कौन सा अमेंडमेंट है, कौन यहां पर इसके चेयरमैन थे, उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, किस टाइम तक इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, नॉर्मली यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, एसएससी और बैंकिंग में, सब जगह इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरा सा इस पर फोकस देकर जरूर चलिएगा, और देखिए लेक्चर अगर पसंद आता है तो फेसबुक वगैरह पर शेयर कर दिया कीजिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो ना तो शेयर करना, ऊपर से डिसलाइक और करना है, और डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में फिर लेक्चर में मैं इंप्रूव कर सकूं आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है, और पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और देखिए नया ईयर स्टार्ट हो गया, मिलजुल के रहिए और खूब इंजॉय कीजिए, फुल एनर्जेटिक वे में अब आप लोगों की लाइफ स्टार्ट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए, आप लोग ये समझिए। अब जितनी एनर्जी आप लोग लगाएंगे आपको एकदम आउटपुट यहां पर देखने को मिलेगा, बट आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप वास्तव में ही एनर्जी लगाना चाहते हैं, वास्तव में अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप लोगों को फोकस करके चलना है अपना, ठीक है। आज जो डिसाइड कर लिया वो आज ही खत्म करना है, कल के ऊपर छोड़ना ही नहीं है कुछ। अगर आज बोला है कि आज ये रिविजन करना है तो आज ही करना है, अगर कोई आज आप लोगों ने मॉर्निंग में टाइम टेबल बनाया तो शाम तक जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है किसी भी हालत में आप लोगों को बिस्तर पर नहीं जाना है अपने, ओके। तो इस तरीके से फोकस देकर चलना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।